इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मुरादाबाद में कल कोरोना के संदिग्धों को क्वारंटीन करने गए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पूरे मोहल्ले ने हमला बोल दिया और हैरत की बात यह है कि हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थीं। अब इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है और लगातार कैमरे और ड्रोन की फुटेज के अनुसार बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों पर राष्ट्र सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी पूरे इलाके में आरएएफ के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस हमले में मेडिकल टीम के एक डॉक्टर एससी अग्रवाल गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। उन्होंने अपनी दर्द भरी और लड़खड़ाती हुई आवाज में मीडिया से बातचीत की, आइए सुनते हैं उन्हें। एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट एप्रिन में थे, तो फार्मासिस्ट लड़ाई में भाग के मैं रह गया अकेला, तो मैं पैदल भागा तो सामने से चौक फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चुकी गिर गया नीचे, चश्मा भी मेरा गिर गया, मैं उठाकर फिर भागा, पीछे से फिर किसी ने डंडा मारा, मैं फिर गिर गया, तो मुझे लात घूंसों से फिर मारना शुरू कर। वहीं मेडिकल टीम के लोगों ने बताया कि इलाके के लोग इस हमले को लेकर पहले से तैयार थे और जैसे ही हमने कोरोना संदिग्धों को एम्बुलेंस में बिठाया, वह सैकड़ों लोग अचानक से सामने आ गए और पथराव करने, एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से, तैयार तो पहले थी वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए, और रोड़े बरसाने लगे। दो हमारे डॉक्टर एससी अग्रवाल थे, उनको तो पिटाई करी है, और पीछे से मेरे चढ़ते हुए जब मैं भाग के इसमें चढ़ा था, मेरे यहाँ ईंट का रोड़ा इतनी तेज पीछे कमर में मारा है। मुरादाबाद में हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर इस हमले के बाद नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब निर्देशित स्थानों पर ही लोगों की कोरोना जांच होगी, यानी स्वास्थ्य विभाग की टीम अब घर घर जाकर कोरोना की जांच नहीं करेगी। यह है बड़ा बदलाव जो मेडिकल टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।